देखिए कोना में देखिए। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से नाग गेहूं और खरीस किस प्रकार से एक घर के कोने में छिप कर बैठा हुआ है। लोगों का नजर पड़ते ही लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया। तो दोस्तों इसे हम लोग कहीं कहीं नाग, कहीं कहीं खरीस, कहीं कहीं फिटार के नाम से जानते हैं। आई तू आई आए रे ना। देखिए क्या तेज है इस सांप का। सांप नहीं, यमराज के नाम से हम लोग इसी को जानते हैं, क्योंकि इसके काटने पर ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस इंसान मर जाते हैं अगर सही समय पे इलाज ना हो तो। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। सामने सामने। तो दोस्तों जैसे हम लोग सांप को पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं, वैसा आप लोग करने का कोशिश ना करें, क्योंकि एक गलती आपका जिंदगी से फिर हाथ धोना पड़ेगा। और ये सांप में न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है, अगर आपको काट ले तो कहां जाए, सरकारी सदर अस्पताल की ओर। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, क्योंकि आज तक तंत्र मंत्र से किसी का जान नहीं बच पाया है। चलो पीछे बोले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए चलिए बाहर लेकर आते हैं आप लोग, पीछे से हट जाइए। लोगों का कहना है सांप उड़ रहा है। लोग हमारे वीडियो को देख के या फिर कोई भी स्नेक सेवर का वीडियो को देख कर कॉपी करते हैं, क्योंकि दोस्तों कॉपी मत कीजिए, क्योंकि नकल में भी बहुत ज्यादा अकल लगता है। इसीलिए नकल करने का आगे आप LIC करवा लें, क्योंकि अगर आप मर जाते हैं तो घर वाला दिक्कत क्यों झेले आपके वजह से। इसलिए कहते हैं कोई भी सांप को पकड़िए मत, आपसे हाथ जोड़कर ये सुजय स्नेक सेवर विनती करता है। एक बार फिर से इसका उग्र रूप दिखा देते हैं। खतरा समझते ही अगर इसके सामने कोई खतरा हो जाए तो ये आपको और हमें बाइट कर लेगा। बाइट करने के बाद आंख के सामने ठीक धुंधलापन छाना, पलक का झपकना, और आहिस्ता आहिस्ता कोमा में चले जाते हैं। कोमा में चले जाने के बाद मरना निश्चित है। इसीलिए दोस्तों सावधानी इस काम में, कोई भी काम में आपको दोबारा तीन बार, चार बार, पाँच बार, दस बार चांस मिलेगा। इस काम में एक बार चांस मिलेगा, और एक बार में अगर आप सफल हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये काट ले तो फिर मरना निश्चित है। दोस्तों अगर हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले। और कौन पीगा है, लुचीबाद, और लुचीबाद ग्राम में आए हुए हैं। लोगों के सूचना पर हमारे कुछ दोस्त थे, उन लोगों को दिखाइए। उन लोगों के सूचना पर सांप को रेस्क्यू करने के लिए हमारा काम है, घर दफ्तर दुकान मकान मछली के जाल में फंस जाए, कुआं में गिर जाए, बाथरूम सेप्टिक टैंक में गिर जाए सांप, तभी सांपों को रेस्क्यू करते, वो चाहे जहरीला रहे या फिर नॉन वेनमस रहे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांप सांप नहीं, सांप के नाम से लोगों को डर और भय है। एक बार फिर से सामने आइए। और अब ठंडा का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग सांप से बच कर रहिए। आप लोगों के घरों में सांप प्रवेश करेगा हाइबरनेशन पीरियड में जाने के लिए, और भोजन के तलाश में आपके घर में घुसेगा, और आप इसके ऊपर पैर दे देते हैं तो आप इसका शिकार बन जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।